welcome to Crick Sunday with me, Suramya Kaushik. I hope you guys had an amazing week क्योंकि ये हफ्ता बहुत ही bitter sweet था. Indian cricket fans के लिए तो ये एक emotions की roller coaster ride थी, जहां एक तरफ they were really really unhappy with India's selection for the ODIs against West Indies, वहीं दूसरी तरफ एक ऐसी good news मिली जिसको सुनने के लिए कान तरस गए थे. Jasprit Bumrah is back. Yes. You heard me right. Bumrah is back, और जहां एक प्लेयर वापस आया है, वहीं एक प्लेयर ने इस खूबसूरत गेम को हमेशा के लिए टाटा बाय बाय बोल दिया है. I'm talking about Stuart Broad. Stuart Broad ने एशेज के साथ खत्म किया अपना 17 साल का लंबा करियर. लेकिन इन तीनों एनेक्डोट्स में एक चीज कॉमन है, और वो है फैंस का सोशल मीडिया पे आउटबर्स्ट. आइए जानते हैं इन सब इंसिडेंट्स को थोड़ा डिटेल में. अरे जब खेलना ही नहीं था तो घर भेज देते ना. अच्छा बात नहीं है. Well, इस पूरे हफ्ते की ये थी सबसे ट्रेंडिंग लाइन. दिस वॉज द मोस्ट कॉमन ओपिनियन ऑफ ऑल द फैंस जब उन्होंने देखा कि विराट कोहली और रोहित शर्मा वेस्ट इंडीज के खिलाफ सेकेंड और थर्ड ओडीआई में मैदान में नहीं बल्कि ड्रेसिंग रूम में बैठे हैं. ये भी कोई बात हुई? Well, the reason they gave was, we want to try out different players and give them some game time. यानी कि experiment, transition. क्या क्या कहना कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? बस ये कहने की देर थी. जैसे ही फैंस ने देखा कि उनके दो फेवरेट प्लेयर्स और इंडियन टीम की बैकबोन बाहर है टीम से, उन्होंने अपना गुस्सा सोशल मीडिया पर निकालना शुरू कर दिया. इंडियन टीम के सिलेक्शन के इश्यूज इतने ज्यादा बढ़ गए हैं कि फैंस का गुस्सा कम ही नहीं हो रहा है, और ये गुस्सा लग रहा है कि शांत नहीं होने वाला, क्योंकि ये जो हार का सिलसिला है ना, वो T20s में भी पहुंच गया है. खैर ये मामला तो लंबा चलेगा बिकॉज फैंस आर कंफ्यूज, एंड टू बी ऑनेस्ट सो इज द इंडियन टीम मैनेजमेंट एज वेल. चलिए इन सब सिलेक्शन के स्यापों के बीच एक गुड न्यूज आई, और उस गुड न्यूज के बारे में बात करना भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो है जसप्रीत बुमराह का कमबैक. बुमराह आ रहे हैं वापस मैदान में. बुमराह विल प्ले द 3 T20s अगेंस्ट आयरलैंड, एंड सिर्फ खेलेंगे नहीं बल्कि ही विल ऑल्सो लीड द इंडियन टीम. बुमराह जो खुद ऑलमोस्ट एक साल से टीम से बाहर है, वो करेंगे टीम को लीड. इस न्यूज की अनाउंसमेंट से फैंस को मिली राहत और उन्होंने जताई अपनी खुशी सोशल मीडिया पर. बुमराह का इंतजार करते करते तो अब उनके फैंस थक गए थे. हर तरह के मीम्स उन्होंने यूज कर लिए और उन्होंने कहा बुमराह प्लीज वापस आ जाओ. लग रहा है बुमराह ने सुन लिया, और अब जब वो वापस आ रहे हैं तो फैंस ऐसे खुश हुए हैं जैसे कि जसप्रीत बुमराह इज अ जैम प्लेयर एंड ही इज रिटर्निंग बैक आफ्टर अ लॉन्ग इंजरी. इनके ना होने से हमारी जो इंडिया की बॉलिंग है वो काफी बहुत वीक हो गई थी. इंडियन टीम काफी स्ट्रांग होगी उनके आने से. होप कि वो अच्छा प्रदर्शन करें और इंजर्ड ना हो दोबारा. हाँ वो एक साल बाद आ जरूर है, बट इट्स अबाउट एक्सपीरियंस. उसके जो पास्ट में एक्सपीरियंसेस थे, एक साल बाद वो आ रहा है पर उसने पहले भी क्रिकेट मैचेस खेला है, उसने बड़ी टीमों के खिलाफ खेला है, उसने बड़े मैचेस खेले हैं, और जो बाकी यंग प्लेयर्स हैं उनको उनके पास एक्सपीरियंस नहीं है और जसप्रीत के पास एक्सपीरियंस है. सो यार मेरे को पूरी उम्मीद है, और कंडीशंस जो हैं स्विंगिंग कंडीशन है आयरलैंड के लिए तो उनको बिल्कुल फेवर करेंगी. मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है वो इंडियन टीम में वापस आ रहे हैं और होपफुली वो अच्छा ही करेंगे. वो इंजरी के बाद पहली बार वो इतने साल मतलब एक साल के बाद वो खेल रहा है, एंड आई होप कि अच्छा प्रदर्शन करेगा. पहले भी वो अच्छा प्रदर्शन करता रहा है, एंड Let's hope for good. क्योंकि अब बहुत लंबा इंतजार हो गया, and we want him there in Asia Cup and World Cup. Do you remember Yuvraj Singh's six sixes? Yes, into the crowd. Six sixes in an over. Yuvraj Singh finishes things off in style. Well, इस सिक्के का एक दूसरा साइड भी था. Stuart Broad. You believe it or not? But Stuart Broad became the Stuart Broad after this incident only. From 6 sixes to 600 wickets in Test cricket, this has been one of the best cricketing journeys for any player. Stuart Broad ne is hafte kaha cricket ko alvida. Ashes ke last test ko unhone banaya apne career ka last match. And boy, he went off in style. As a batter, apni last ball pe 6
एंड एज अ बॉलर अपनी लास्ट बॉल पे विकेट. अब बताओ, इज देयर एनी बेटर वे टू साइन ऑफ? खैर, इस रिटायरमेंट से काफी लोग इमोशनल हुए, इंक्लूडिंग जिमी एंडरसन. उनकी जय वीरू जोड़ी में मानो जैसे अब जय ना हो. सो इनकम्प्लीट विदाउट ईच अदर. एंडरसन वॉज सीन क्राइंग एंड सो वर सम फैंस. काफी फैंस की भीड़ उमड़ी सोशल मीडिया पर. मैनी हैड अ पर्सनल ब्रॉड स्टोरी टू शेयर व्हाइल सम फैंस जस्ट थैंक्ड हिम. चाहे रिटायरमेंट हो या कमबैक, किसी में भी उतनी पावर नहीं है कि वो इतना ट्रेंड हो सके जितना इंडियन टीम के एक्सपेरिमेंट्स. और इन एक्सपेरिमेंट्स से मिला क्या, सब यही जानना चाहते हैं. तो आइए हम पूछ लेते हैं हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट जेमी ऑल्टर से. जेमी, एक फॉर्टनाइट में इतने एक्सपेरिमेंट्स तो हमने किसी एक्सपेरिमेंट लैब में भी नहीं देखे होंगे जितना इंडियन क्रिकेट टीम ने करके दिखा दिया है ड्रेसिंग रूम में. और सबका एक ही सवाल है यहाँ पर कि आखिर कब तक चलेगा ये एक्सपेरिमेंट्स का खेल? इन एक्सपेरिमेंट से खुश हैं या आई कैन आल्सो से दे आर नॉट क्वाइट अंडरस्टैंडिंग व्हाट्स गोइंग ऑन, राइट? उनमें से एक मैं भी हूँ. आई एम श्योर इस चैनल के व्यूअर्स भी मेरी बात से कुछ सहमत होंगे. और जहाँ पे सोशल मीडिया की बात है, आपको बस सोशल मीडिया खोलना है अपने फोन पे, अपने टैबलेट पे, अपने डिवाइस पे, और 10-15 सेकंड के अंदर आपको एक ना एक ऐसा हैशटैग दिख जाएगा जहाँ पे साफ मालूम पड़ता है कि कितने भारतीय क्रिकेट प्रेमी और फैंस नाराज हैं, फ्रस्ट्रेटेड हैं इंडिया के एक्सपेरिमेंट से. इस ओडीआई श्रृंखला में अब वो श्रृंखला इंडिया जीत तो गई 2-1 मार्जिन से, लेकिन पहले मैच में क्या कर रही थी ये रोहित शर्मा और राहुल द्रविड़ की जोड़ी? टारगेट आपका 115 था, आपको काफी ओवर लगे उस टारगेट को पार करने में. इस बात की समस्या नहीं है, समस्या ये है कि आपने जडेजा को भेजा ऊपर, आपने शार्दुल को 5 पे भेजा, आपने सूर्या को 3 पे भेजा, यानी कि उस समय तक 24 मैच हो चुके थे और इस टीम मैनेजमेंट को अब तक समझ नहीं आया कि सूर्य कुमार यादव टीम के लायक प्लेयर नहीं है. और क्या ये 3 पे बैटिंग करेंगे वर्ल्ड कप के टाइम पे? नहीं करेंगे, हरगिज नहीं करेंगे. सुरम्या, नंबर 3 इज लेफ्ट फॉर द बेस्ट फिनिशर ऑफ दिस जनरेशन इन ओडीआईज, द बेस्ट नंबर 3 बैट्समैन, दैट इज विराट कोहली. तो जब स्काई 3 पे नहीं खेलेंगे, जब जडेजा 5 पे बैटिंग नहीं करेंगे, जब शार्दुल 6 पे नहीं करेंगे, जब कप्तान साहब रोहित शर्मा 7 पे नहीं खेलेंगे, और जब विराट कोहली 8 पे तो हरगिज नहीं खेलेंगे, तो किस सोच को लेकर, किस थिंकिंग को लेकर, किस स्ट्रेटजी को लेकर भारतीय टीम उस पहले वनडे में उतरी, ये मेरे समझ से बाहर है और मैं समझ सकता हूँ बहुत व्यूअर्स के बाहर है. You are right, Jamie. Everyone's so clueless about this team that now fans have started questioning the team's strength for the World Cup. खैर, World Cup तो छोड़ो, अभी इस T20 सीरीज में बस और दुख ना देखने को मिले. तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे. Well, इन सभी दुखों को दूर करने के लिए हमारे पास सोशल मीडिया है, I know. और सोशल मीडिया पर तो मीम्स और रील्स की पार्टी चलती रहती है, लेकिन और दुख नहीं चाहिए. पर एक बात और भी पक्की है कि जब तक ये सोशल मीडिया पर पार्टी चलती रहेगी, तब तक हम आपके साथ जुड़े रहेंगे. सो स्टे कनेक्टेड विद क्रिक संडे एवरी संडे एट 11 AM ओनली ऑन क्रिकेट नेक्स्ट.